ठीक है बताओ भाई, जो भी टेस्टिंग के डाउट रह गए बताओ, कौन सा ओपन करो। सर क्वेश्चन भेजे या गेट वाला था तो हाँ जो बच गया। कल रह गया वो तो मैंने ट्राई किया, उसको देखना पड़ेगा कौन सा मेथड है, उसको मैं भेज देता हूँ किसी दोस्त उसको, तो उसका तो आंसर पता नहीं है, उसको देखते हैं। मतलब तो मैंने ट्राई नहीं किया अभी, तो बाकी क्वेश्चन बताओ। उसी में सेवेंथ ठीक है, वो ग्रुप में भेज दो, बाकी लोग देख लेंगे ना। तो अभी क्या करता हूँ, तो कौन सा सातवां, सातवां नंबर, सेवेंथ या एट्थ, दोनों? दोनों अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, x1 x2 x5 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम पीडीएफ, ये डबल एक्सपोनेंशियल मतलब लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो x1 x2 x5 तक है और ये आईआईडी है, इसका पीडीएफ है आपके पास 1/2 e की पावर मॉड x माइनस थीटा और x रियल नंबर है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है आपसे, h नॉट में थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो h नॉट में है थीटा इज इक्वल टू जीरो और h वन है थीटा लेस देन जीरो, सो थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा लेस देन जीरो, समेशन y i बी द साइन टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, y i को मान लो तो टी तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक समेशन वाई आई है, आई फ्रॉम 1 to 5। ठीक है जी, अच्छा साइन टेस्ट हालांकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में गेट में है, तो वैसे तुम उसको इग्नोर भी कर दो, साइन टेस्ट जस्ट मान लो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करें, तो देखते हैं ट्राई करके। तो बोल रहा है कि वाई आई तुम्हें दे रखा है, वेयर जो वाई आई है एक्चुअली दैट विल टेक वैल्यू 1 और 0, तो 1 कब है जब एक्स आई पॉजिटिव है, 0 कब है अदरवाइज जब एक्स आई लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक, तो ये वाई आई की वैल्यू, तो वाई आई जो हो गया तुम्हारा बर्नौली हो गया ना, तो बताओ वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वैसे वाई आई बर्नौली है तो वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाई आई बर्नौली है ना, बर्नौली पी, तो बोलो क्या है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, सो स्मॉल पी का मतलब प्रोबेबिलिटी वाई आई इज इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और 1 माइनस पी जो कि प्रोबेबिलिटी वाई आई 0 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या आंसर आएगी, आप बोलना चाहिए। चेक कर लो एक बार, है ना। तो चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे कंटिन्यूअस है। हाँ कॉन्टिन्यूअस में ठीक है, तो एक्स मोर देन जीरो लेस देन जीरो हाफ हाफ आना चाहिए ना, ठीक है हाफ आ रहा है, तो चेक कर सकते हो एक्स मोर देन जीरो प्रूफ निकालोगे हाफ ही आएगी, तो इसको इंटीग्रेट करोगे अंदर, एच नॉट क्या है, ये ना। अच्छा बाद में जरूरत पड़ेगी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाफ ही आएगा ऐसे तो। ये जो भी आता होगा ना, चलो सो वाई आई ये क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई क्या हो जाएगा, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, सो ये जो टी है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, जो टी है समेशन वाई आई इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो बर्नौली है वाई आई, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल एन पी, एन तुम्हारा 5 है, ठीक एन तुम्हारा 5 है, तो ये स्टोरी हो गया।
अब क्वेश्चन पे आओ, बोल रहा है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें बोल रहा है कि द साइज ऑफ द टेस्ट विच रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्शन रीजन दे रखा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ समेशन वाई आई इज लेस देन इक्वल टू टू, आई फ्रॉम 1 to 5। क्या दिक्कत है ये बताओ, समेशन वाई आई की पॉसिबल वैल्यू क्या है? समेशन वाई आई तुम्हारा क्या है, मतलब ये टी है ना, समेशन वाई आई की जगह टी बोल दो, टी टी तुम्हारा ये है और टी का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5, p। अभी देखो 5, p तो यहाँ साइज का डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो तुम अभी मत देखो ये क्या था, है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ थीटा को जीरो के अंडर काम करो यहाँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे जरूरत है जब थीटा जीरो है ना, मुझे यहाँ कब जरूरत है टी का डिस्ट्रीब्यूशन का, जब थीटा जीरो है ना, तो थीटा जब जीरो रखोगे इसमें तो ई की पावर माइनस मॉड एक्स आ जाएगा जस्ट, तो है ना उससे हाफ ही आ जाएगा। तो यहां से अब क्या हो गया, तो इजी हो गया कि प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू 2, कब, जब टी का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5, 1/2। चेक कर लो आ जाएगा। Yes. तो आसान है, मतलब आसान इन द सेंस कभी दिख गया कि जैसे t बराबर 0 पे क्या होगा 1/2 की पावर 5, t बराबर 1 पे क्या होगा 5c1 क्योंकि 5 होगा, तो 5 × 1/2 की पावर 5 एंड 5c2 जो कि है 5 × 20 = 10, सो 1/2 की पावर 5। अब देख लो इसको ऐड कर लो, 10, 5, 15, 16, 16 / 2 की पावर 5, तो इसका आंसर 1/2 ही होगा। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो बताओ इसमें, ठीक है ना, ये देख लो। चलो नेक्स्ट, तो ये तो सातवां हो गया, आठवां वाला क्वेश्चन क्या है, एट्थ देखो। तो जो एट्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है तुम्हारा, एट कह रहा है कि लेट 0, 2 बी द रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, मतलब स्मॉल x1 की वैल्यू 0 है, स्मॉल x2 की वैल्यू 2 है, इस तरीके से 0, 2 फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, 3। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि x1, x2 आर आईआईडी बाइनोमियल 2, p। अब कह रहा है कि एच नॉट जो है, एच नॉट में पी इज इक्वल टू 1/2 और एच वन में पी इज नॉट इक्वल टू 1/2। सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो क्या होगा यहाँ पे, बाइनोमियल 2p है ना। अच्छा तो क्या करते हो तुम लोग, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है देखते हैं ना। तो ठीक है, अब कई लोग लाइक्लीहुड रेशियो उल्टा भी तो लेते हैं, रेसिप्रोकल भी तो लेते हैं कुछ बुक में, कोई बात नहीं हम इसे करते हैं। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा भाई, LP, अब ये दो रैंडम वेरिएबल है तो लाइक्लीहुड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखूं, ज्वाइंट पीडीएफ ना, लाइक्लीहुड फंक्शन है ज्वाइंट, दोनों आईडी है तो स्क्वायर लिख दो, आईडी है तो सेमी पीडीएफ होगा, लेकिन अलग अलग नहीं, तो x1 पे x2 पे अलग अलग रहे ना, तो क्या आएगा, हाँ डिनोमिनेटर में ML होगा, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या लिखूं मैं, व्हाट इज दिस, x1 तो
अच्छा x1 x2 दोनों क्या है, रैंडम सैंपल फ्रॉम बाइनोमियल विद पैरामीटर 2p, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 चूज x1 ये ना, और p की पावर x1 1 माइनस p की पावर x2, मतलब एक मिनट पहले तो इसका लिखता हूं मैं, 2 माइनस x1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो एक बार ये हुआ, फिर ऐसे ही 2 चूज x2 p की पावर x2 1 माइनस p की पावर 2 माइनस x2, तो कहने का मतलब डायरेक्टली भी कर सकता था ना ये, इतना लिखने के बजाय तुम जो करते हो पहले से, क्या लिखते हो तुम लोग, मर्जी है तुम्हारी, जैसे समझ आ रहा है, i फ्रॉम 1 टू 2 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी i इज इक्वल टू 1 टू 2 2 चूज x i 2c x कितना होता है 2c 0 2c 1 2c 2 तो 2c 0 1 2c 2 1 एंड 2c 1 2 हो जाएगा जस्ट ओके तो x i p की पावर x i 1 माइनस p की पावर 2 माइनस x i ये है अब तो इसका प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा तो ये ओपन करना चाहो ओपन कर लो ठीक है रहेगा तो इसको कोई बात है ना क्या होगा 2cx1 2cx2 so 2cx1 into 2cx2 तो मैं ओपन कर रहा हूँ प्रोडक्ट को फिर p की पावर x2 तो p की पावर x1 plus x2 दो ही है ना क्या अलग समेशन का नोटेशन लगाना ओपन करके लिख देते हैं फिर इसका लिखेंगे तो 1 minus p की पावर 2 minus x1 plus 2 minus x2 so 4 minus x1 plus x2 ब्रैकेट में बोल दो तो ये तुम्हारा क्या आया ये लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल रहा हूँ वही मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन अरे यार